नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। मतदान शाम 6 बजे तक होगा और मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां बुधवार सुबह से ही रवाना कर दी गई थी। पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 37 जिलों में 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका परिषद और 276 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे और लगभग 2,40,00,000 मतदाता 7,593 पदों पर 44,000 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की नगर पंचायत शमशाबाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जोया फारूक की पत्नी नदीम अहमद फारूकी का नारा, परिवर्तन का संकल्प नदीम ही विकल्प, अपनी मतदाताओं में गहरी पकड़ बनाता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो शमशाबाद नगर की जनता सपा प्रत्याशी को विकास पुरुष की नजर से देख रही है और उनके द्वारा कराए गए अनंत काल तक चलने वाले बैंक शाखा, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, पुस्तकालय जैसे कार्यों की सराहना कर रही है। इसके साथ ही महान दल का समर्थन मिलने से नदीम अहमद फारूकी और भी मजबूती मिल गई है। महान दल ने सपा प्रत्याशी को अपना समर्थन पत्र जारी करते हुए कहा कि नगर पंचायत शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद से अध्यक्ष पद हेतु समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती जोया शाह पत्नी नदीम अहमद फारूकी को अपना समर्थन प्रदान करता है। महान दल के समर्थन की खबर से विरोधियों की नींद उड़ गई और उनके खेमों में सन्नाटा पसर गया। नगर में परिवर्तन का संकल्प नदीम ही विकल्प का नारा अब घर घर में गूंज रहा है। महान दल का समर्थन प्राप्त होने के बाद नदीम अहमद फारूकी ने कहा, श्रीमती जोया शाह के समर्थन हेतु महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केशव देव मौर्य जी से मैंने अनुरोध किया था। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए महान दल का समर्थन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मेरी पत्नी श्रीमती जोया शाह के समर्थन पत्र जारी कर दिया है। इसके लिए मैं श्री माननीय केशव देव मौर्य जी का आभार व्यक्त करता हूँ।